सिद्धू मूसेवाले कतलकांड च शूटरां वल्लों वड्डा खुलासा। जे गोलियां नाल ना मरदा तां सिद्धू मूसेवाले ते ग्रनेड दे नाल करदे हमला। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाले दे कतल मामले विच दिल्ली पुलिस ने शार्प शूटर प्रियव्रत फौजी ते कशिश नूं गिरफ्तार कर लिया ते दोवें अपने तीजे साथी केशव दे नाल गुजरात दे मुद्रा बंदरगाह नेड़े किराए दे इक मकान विच लुके होए सी। दस दे कि फौजी हरियाणा के सोनीपत जिले के गढ़ी सिसाना का रहने वाला है। वह पूरे कतल की मड्यूल की अगुवाई कर रहा है। केशव उर्फ कुलदीप हरियाणा के झज्जर जिले के पिंड बेरी का रहने वाला है। 2021 झज्जर च उसके कतल का मामला दर्ज है। कशिश बठिंडा का रहने वाला है। दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया कि मूसेवाले के कतल में कुल 6 शार्प शूटर शामिल थे जो करेला और बलैरो सवार होकर आए थे। दिल्ली पुलिस ने यह भी खुलासा किया कि शार्प शूटर ने मूसेवाले से ग्रनेड के हमले की योजना बनाई थी। जेकर हथियार फेल हो जाते तो मौके पर कोई खतरा होता तो वह ग्रनेड के नाल हमला कर देंगे। इस तो अलावा शार्प शूटर ने पुलिस की वर्दी भी ली हुई थी। हालांकि उन्होंने वर्दी नहीं पाई क्योंकि उन्होंने कोल नाम प्लेट नहीं सी। मूसेवाले के कतल तो बाद इन्हों शार्प शूटर ने गोल्डी बराड को फोन करके ये कहा कि तेरा काम हो गया है। दिल्ली पुलिस के स्पैशल सैल के स्पैशल कमिश्नर ऑफ पुलिस धालीवाल ने दसिया कि मूसेवाले के कतल को अंजाम देने दो मॉड्यूल एक्टिव से दोवें कनेडा स्थित गैंगस्टर गोल्डी बराड के संपर्क में से। कशिश बलैरो चला रहा सी अते उस टीम का मुखी प्रियव्रत फौजी सी। उन्होंने नाल अंकित सिरसा ते दीपक मुंडी भी मौजूद सी ते करेला कार जगरूप रूपा चला रहा सी। उसके नाल मनप्रीत मन्नू बैठा सी। पुलिस ने दसिया कि पहला मौका ते शार्प शूटर मनप्रीत मन्नू ने मूसेवाले ते AK-47 दे नाल उतर के फायरिंग की ते पहली गोली मूसेवाले नूं जा लगी। मूसेवाले की थार गोली लगन दे नाल उत्थे रुक गई। फिर करेला तो शूटर उतरे अते 4 शूटर बलैरो तो भी उतर गए। सारे शार्प शूटर ने उतर के फायरिंग कर दी। जो उन्होंने पता लगा कि हुण मूसेवाला बच नहीं सकेगा तो उतों सारे भज गए। जिस तो बाद अज दिल्ली पुलिस ने गुजरात तो इन्हों शार्प शूटर फड़ लिया है। तो उस दिन की जो घटना थी उसमें 2 मॉड्यूल इस पे जो घटना को अंजाम देने में वो एक्टिव थे। दोनों गोल्डी ब्राड से कनाडा में जो बैठ के इसको इन टच थे, दोनों मॉड्यूल से उन इन टच थे। एक गाड़ी में बोलेरो में जिसको कशिश चला रहा था, जिसको प्रियव्रत फौजी जो है ये मॉड्यूल को हेड कर रहा था। अंकित सिरसा इनके साथ था और दीपक मुंडी इनके साथ था। ये 4 लोग बोलेरो गाड़ी में थे और इस मॉड्यूल को प्रियव्रत फौजी हेड कर रहा था। जो करोला गाड़ी थी उसमें जगरूप रूपा गाड़ी चला रहा था, मनप्रीत मन्नू उसके साथ बैठा था। तो जब शुभदीप सिद्धू अपने घर से निकले, जैसा कि ऑलरेडी पंजाब पुलिस ने बताया ही है कि एक संदीप केकड़ा नाम का व्यक्ति है जिसने इनिशियल इंटीमेशन दी कि उनकी मूवमेंट हुई है और उनके साथ कोई उस टाइम सिक्योरिटी नहीं थी, उनके 2 फ्रेंड्स थे, तो उसी टाइम इनको इंस्ट्रक्शन आती है क्योंकि ये लोग कई दिन से मल्टीपल रैकीज कर चुके थे। तो जब इनको पता चला कि कोई सिक्योरिटी साथ नहीं है तो इन्होंने उनकी गाड़ी को पीछा किया। करोला ने गाड़ी को ओवरटेक करते हुए मनप्रीत मन्नू ने AK-47 फायर करी। तो उस बर्स्ट में जो सिद्धू मूसेवाला थे उनको गन शॉट्स लगे और उनकी थार वहीं पे रुक गई और करोला से फिर ये दोनों उतरे और पीछे जो बलैरो थी वो भी टेल कर रही थी, उसमें से भी ये 4 जो शूटर थे दूसरे मॉड्यूल के ये उतरे। तो 6 के 6 लोगों ने वेपन्स यूज किए, फायरिंग करी, मल्टीपल राउंड्स फायर हुए जिसका ऑलरेडी खाका जो है वो पंजाब पुलिस ने मीडिया के साथ शेयर किया है। तो जब इन्होंने देखा कि काफी बुरी तरह से इन्होंने असॉल्ट कर दिया है और उनके बचने की संभावना नहीं है तो ये उन दोनों गाड़ियों में वहां से वारदात को अंजाम देकर निकल गई। वारदात के बाद जो मन्नू था और रूपा थे ये अलग चले गए। जो ये बाकी 4 लोग थे ये बलैरो में अलग गए। इनको केशव ने पिक किया थोड़े किलोमीटर के बाद, इन्होंने अपनी बलैरो छोड़ दी। उसके बाद केशव ने इन्हें ट्रांसपोर्ट किया, वहां से फिर ये फतेहाबाद पहुंचे, कुछ दिन वहां रुके, फिर आगे भी इनकी कई जगह मूवमेंट रही। तो हमारी टीम्स तो काफी देर से इस पे आपको जैसे बताया राइट फ्रॉम उसी टाइम से काम कर रही थी। तो
19 तारीख को सुबह के टाइम हमारी जो स्पेशल सेल की टीम्स थी, इन्होंने इनको अरेस्ट किया है। ये है खारी मिट्टी रोड विलेज बारोई मुंद्रा पोर्ट के पास। तो इन्होंने वहाँ पे एक रेंटेड मकान किसी लोकल प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू ले रखा था, क्योंकि जब इन्हें देखा कि ऑलरेडी कुछ फोटोज आपको याद होंगी कि सर्कुलेट हुई थी, जो कि एक इंटरनल हमारा नोट था, उसमें हमने शुरू में कुछ वर्किंग करी थी जिसमें हमने कुछ सस्पेक्ट्स को अंकित किया था किसी ग्राउंड पे, लेकिन ऑब्वियसली सस्पेक्ट्स में से दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट। तो तीन उसमें से जो हमारा वो था कि तीन शूटर जो थे वो वही निकले, रूपा मन्नू और प्रियव्रत फौजी। इनसे रिकवरीज जो हुई हैं वो है 8 हाई एक्सप्लोसिव ग्रेनेड्स अलोंग विद अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, और ये जो HE-36 ग्रेनेड्स थे दे वर फॉर यूज विद ग्रेनेड लॉन्चर्स। ये ग्रेनेड लॉन्चर AK-47 राइफल पे भी माउंट हो सकता था। 9 इनसे इलेक्ट्रिक डेटोनेटर मिले हैं, एक असॉल्ट राइफल मिली है विद 20 राउंड्स, 3 सोफिस्टिकेटेड स्टार पिस्टल्स मिले हैं ऑफ 0.30 बोर, 36 राउंड इनसे 7.62 mm स्टार पिस्टल्स के मिले हैं, और एक पार्ट AK सीरीज असॉल्ट राइफल का मिला है। इसके अलावा इन्होंने पूरा जो इनका सीक्वेंस था, जो इन्होंने कैसे ये गैदर हुए, कहाँ ये मिले, कुछ चीज़ें हम आपसे नहीं शेयर कर सकते, हमने इनफैक्ट काफ़ी लेबोरेटली आपको बता ही दिया है, वो सारा हम उसको बिल्कुल एक चेन की तरह एस्टेब्लिश कर पाए हैं, विच वी विल बी शेयरिंग विद अदर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, जहाँ जहाँ इन्होंने जो जो क्राइम कर रखा है। पंजाब पुलिस से भी हम रेगुलरली कोऑपरेट करते आए हैं, और जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होगी, क्योंकि सीन ऑफ क्राइम वहाँ है, जो मेन इन्वेस्टिगेशन है वहाँ है, लेकिन हमारे भी जो मकोका केस में इनको अरेस्ट किया गया है, मकोका केस में ऑलरेडी हमने इनके सिंडिकेट के, जैसे कि आपको ऑलरेडी मेंबर्स पता है, ऑलरेडी अरेस्ट किए हैं, लॉरेंस बिश्नोई को अरेस्ट किया है, राजकुमार राजू बसोदी को किया है, संपत नेहरा, रविंदर सिंह, जगदीप जग्गू, प्रियव्रत काला, राहुल सांगा, नरेश सेठी, अनिल लीला, अक्षय, सचिन भांजा, संदीप काला जथेड़ी, वरेंद्र प्रताप काला राणा, ओम प्रकाश काला, दीपक टिन्नू, और इन सबको ऑलरेडी स्पेशल सेल ने मकोका केस में अरेस्ट किया है। तो इस मेन केस में इनकी भी अरेस्ट की करी गई है, क्योंकि ये उन्हीं के सिंडिकेट के मेंबर हैं, और फर्दर जो भी कार्रवाई होगी, जब हमें लगेगा कि आपसे शेयर करनी है तो हम आपसे शेयर करेंगे। देखिए, वो AK सीरीज की राइफल हमें अभी तक पता है, जो इनकी इंटरोगेशन से एस्टेब्लिश हुआ है, AK सीरीज की थी, और उसकी तो फॉरेंसिक्स हो जाएगी, तो डेफिनेटिव कोरोबोरेशन तो फॉरेंसिक से ही हो पाएगी, और जब वेपन मिल जाएगा, किस तरह के वेपन से गोली चली, जो अभी तक हमें एस्टेब्लिश हुआ है, जो इंसिडेंट में यूज हुई है वो AK सीरीज की सॉल्ट राइफल हुई है, मल्टीपल पिस्टल्स यूज हुए हैं, और ये जो ग्रेनेड्स वगैरह इन्होंने रखे हुए थे ये भी इनके पास थे, और पिस्टल्स भी इनके पास रिजर्व थे जो हमने रिकवर किए हैं। तो ये इंसिडेंट में इन्होंने बैकअप के लिए रखे थे कि अगर बाय चांस कुछ ऐसा होता है कि इनकी पिस्टल से या ऑटोमेटिक वेपन से बात नहीं बनती, तो इन्होंने ये ग्रेनेड भी इस इंसिडेंट में यूज करने थे।